मेरे सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आजकल हमारे देश भर में आत्मनिर्भरता की बातें शोर शोर से की जा रही हैं। हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहा है अपने देश को आगे बढ़ाने की, और किस तरह से ये विदेशी प्रोडक्ट्स हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, ये सब कुछ बेकार है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करना या इस मुहिम के प्रति वोकल फॉर लोकल लोगों को जागरूक करना, ये सब कुछ बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने। अपनी बातों पर थोड़ा सा वजन डालने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इन सवालों के जवाब के आधार मात्र पर आप ये तय कर सकते हैं कि मैं कितना सही बोल रहा हूं और कितना गलत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं वो किस कंपनी का है, या वो जो बाथ सोप आप यूज करते हैं आप किस कंपनी का यूज करते हैं, या अगर मैं आपसे पूछूं कि सुबह नाश्ते में जो तेल और मसाले आप इस्तेमाल करते हैं वो किस कंपनी के। और हाँ, कल सोशल मीडिया पर जो आपने पोस्ट डाला था उसके ठीक बाद जो गर्मा गर्म आपने चाय या कॉफी पी थी वो किस कंपनी की। घर से बाहर निकलते समय आज भी जो सनस्क्रीन आप लगाते हैं वो किस कंपनी का है, क्या वो स्वदेशी है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो कितने कारगर हैं, कितने असरदार हैं। आज भी आप खुद अगर स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते तो आपके इन पोस्ट पर कमेंट, शेयर और लाइक करने वाले लोग कैसे आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके इस मुहिम में आपका हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, मेरा आपसे सिर्फ यही सवाल है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर हम उसकी एक्सपायरी चेक कर सकते हैं, अगर हम ये चेक कर सकते हैं वो क्रीम ड्राई स्किन के लिए है या ऑयली स्किन के लिए, या अगर हम इन सब चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, तो क्या हम इस बात का ख्याल नहीं रख सकते? साथ साथ क्या हम ये चेक नहीं कर सकते कि उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी हमारे देश की यानी स्वदेशी कंपनी है या नहीं? दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देने से हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। हमें खुद अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने शहर में स्वदेशी प्रोडक्ट्स का होस्ट बनना होगा। पहले तो खुद इसे इस्तेमाल करना होगा और फिर हमारे आसपास के लोगों को इसे इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि स्वदेशी रंग में रंगेगा इंडिया, तभी तो फिर से आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। जय हिंद दोस्तों।